नमस्कार, फास्ट एंड फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मैं मानसा मलिक और मेरे साथ हैं आदित्य। शुरू करते हैं खबरें पूरी रिसर्च के साथ। एमसीडी चुनाव में भी मोदी मैजिक कायम रहा। बीजेपी ने पिछले रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए शानदार जीत दर्ज की। पीएम मोदी ने भरोसा कायम रखने के लिए दिल्ली की जनता का आभार जताया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इसे पीएम मोदी की विकास की राजनीतिक जीत बताया। साफ किया कि अब नकारात्मक और बहानों की राजनीति नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में चल रही है, अपने काम से जो संदेश लोगों के बीच में दिया है, देश भर में मोदी जी के नेतृत्व की स्वीकृति और बड़ी है और ये जीत इसको और पुष्ट करती है। दिल्ली की जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है कि नकारात्मक राजनीति नहीं चलेगी, बहानेबाजी की राजनीति नहीं चलेगी, सकारात्मक तरीके से विकास के रास्ते पर सबको साथ लेके चलने वाली राजनीति चलेगी। बीजेपी ने एमसीडी चुनाव में जीत को सुकमा हमले में शहीद जवानों को समर्पित किया। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की कोई भी इकाई आज नहीं मना रही है और यह जो जीत है, जो प्रचंड जीत है दिल्ली नगर निगम का, वह हमारे जो 26 सुकमा में सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए उनके चरणों में हम समर्पित करते हैं। बीजेपी ने सुकमा में शहीद जवानों के सम्मान में जीत का जश्न नहीं मनाने की घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी के चुनाव में प्रचंड जीत हुई है। जश्न नहीं है लेकिन पोस्टर जरूर लगे हैं। यहाँ पोस्टर लगाया गया है भाजपा की प्रचंड जीत पर, दिल्ली वालों को नमन, माँ तुझे सलाम, सुकमा के शहीदों को समर्पित ये जीत की गई है। साथ ही शेर खान की तस्वीर भी लगाई गई है जिसने नक्सलियों का बड़ी ही बहादुरी के साथ सामना किया। बीजेपी ने एमसीडी की 270 सीटों में से 185 सीटों पर बढ़त दर्ज की है। 46 सीटों पर बढ़त के साथ आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर रही। कांग्रेस 28 सीटों में बढ़त के साथ तीसरे नंबर की पार्टी बनी। एमसीडी की 11 सीटों पर अन्य उम्मीदवारों ने बढ़त बना रखी है। एमसीडी के 272 में से दो वार्ड्स पर उम्मीदवारों के निधन की वजह से चुनाव टाल दिया गया था। एमसीडी चुनाव में शानदार जीत के बाद दिल्ली के तीनों नगर निगमों में बीजेपी का मेयर बनना तय हो गया है। बीजेपी ने पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी एमसीडी में बहुमत हासिल कर लिया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने बीजेपी की जीत को पीएम की नीतियों की जीत बताया और जनता के भरोसे पर खरा उतरने का भरोसा दिया। मनोज तिवारी ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर नकारात्मक राजनीति करने का भी आरोप लगाया। नरेंद्र मोदी के नीतियों में विश्वास करने वाली ये जीत नरेंद्र मोदी जी के 3 साल के सरकार के कार्य, उनकी नीतियों की है कि जो विश्वास दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी में दिया है, हम उस पर पूरी तरह खरे उतरेंगे और जो खुशियां दिल्ली का हक है हम उसे देने के लिए दिन रात एक कर देंगे। दिल्ली के गलियों में ईंट से ईंट सजाना चाहिए, वो ईंट से ईंट बजाने की बात करता है। इतिहास में पहली बार हमने देखा इस चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री के पद पे बैठा व्यक्ति दिल्ली के लोगों को धमकी दे रहा है, बद्दुआएं दे रहा है, शराब दे रहा है, उसको डेंगू चिकनगुनिया बांटने की धमकी दे रहा है। बीजेपी ने लगातार तीसरी बार एमसीडी की सत्ता पर कब्जा किया है। पूर्वी दिल्ली एमसीडी की 63 सीटों में बीजेपी ने 49 सीटों पर बढ़त हासिल कर ली है। उत्तरी दिल्ली एमसीडी की 103 सीटों में से 65 सीटों पर बीजेपी बढ़त बना चुकी है और बहुमत का आंकड़ा भी हासिल कर चुकी है। दक्षिण दिल्ली एमसीडी की 103 में से 71 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। 2012 के एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने एमसीडी की 138 सीटों पर जीत दर्ज की। केजरीवाल सरकार ने एमसीडी चुनाव में हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने की कोशिश की। समाज सेवी अन्ना हजारे ने केजरीवाल सरकार की कथनी और करनी में फर्क को हार की वजह बताया है। हार के बाद दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने बैठक बुलाई। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और गोपाल राय ने ईवीएम राग छेड़ा और बीजेपी की जीत को ईवीएम लहर बताया। हालांकि आम आदमी पार्टी नेता अलका लांबा ने ईवीएम में गड़बड़ी की बात को नकारा है और हार के बाद विधायक पद से इस्तीफे की पेशकश की है। कोई वजह नहीं है,
कि बीजेपी को दोबारा से लोग इस तरह से पसंद करें दिल्ली में, चिकनगुनिया फैलाने वाली पार्टी, कूड़ा फैलाने वाली पार्टी को, डिफरेंस सामने आया है वो बिल्कुल भी यकीन नहीं करने लायक है। उस पर यकीन नहीं हो सकता कि ये बिना ईवीएम के रिगिंग के ये इतना बड़ा डिफरेंस हो सकता है। जिस तरह से चमत्कारित जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है वो ईवीएम लहर से ही संभव है। ये मोदी लहर नहीं है जिसको भाजपा चिल्ला रही है, ये ईवीएम की लहर है। ये बात जरूर ईवीएम की उठ रही है पर मुझे मालूम है जमीनी हकीकत क्या थी, कहां कहां चूक हुई है। मैं बिल्कुल एक व्यक्तिगत तौर पे मैं अपनी चांदनी चौक विधानसभा की बात कर रही हूँ, मेरी जिम्मेदारी मैं देखूंगी, बात करती हूँ। अपने कैंडिडेट अभी आए हैं उनसे मैं बात कर रही हूँ कि क्या वहाँ कहाँ से कितना वोट पड़ा, कहाँ चूक हुई। समाज सेवी अन्ना हजारे ने केजरीवाल सरकार पर वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया। बीजेपी ने कहा कि आम आदमी पार्टी हार से बचने के लिए ईवीएम का कवच पहन रही है। बीजेपी ने पूछा अगर ईवीएम पर भरोसा नहीं था तो केजरीवाल वोट डालने क्यों गए। एक बड़ा बंगला भी लिया, गाड़ी भी लिया और पार्टियों ने भी जितना कम का नहीं बढ़ाया होगा उससे ज्यादा इन्होंने बढ़ाया है, इसके कारण विश्वासार्हता कम हो गई। इनको अपनी बुराई छिपाने के लिए ईवीएम का कवच पहन रहे हैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी। आप अपनी कमियां पे गौर नहीं करते। केजरीवाल साहब की एक बात है, वो बड़ी स्पष्टता से कह रहे हैं और उन्होंने दो टूक ये कहा है कि अगर जीते तो ईवीएम ठीक है और अगर हारे तो ईवीएम खराब है, इसलिए वो इस बात को छुपा नहीं रहे। उन्होंने ये तो रिजल्ट आने से पहले ही कह दिया था और वोट भी डाल के आए थे उसी ईवीएम के अंदर, या तो बहिष्कार कर देते। दिल्ली के कई मुस्लिम बहुल इलाकों में भी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हार रहे हैं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की 63 सीटों में से आम आदमी पार्टी 9 सीटों पर बढ़त बना पाई। उत्तर दिल्ली नगर निगम की 103 में से 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने बढ़त बनाई है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की 104 में से 15 सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। विधानसभा चुनाव में 70 में से 67 सीटों पर जीत हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी पहली बार एमसीडी चुनावों के लिए मैदान में उतरी थी। एमसीडी चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप और इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। चुनाव में तीसरे नंबर पर रहने के बाद दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन ने इस्तीफा दे दिया और शीला दीक्षित पर निशाना साधा। शीला दीक्षित ने भी अजय माकन के बयान पर पलटवार किया। अग्रेशन की बात शीला जी ने कही है। पिछले दो वर्ष से लगातार शीला दीक्षित जी और संदीप दीक्षित जी लगातार मेरे खिलाफ में बोलते जा रहे हैं और मैंने एक भी बार उनका जवाब नहीं दिया है और मैं जवाब देना भी नहीं चाहता। मैं शीला जी को अपना मेंटर मानता हूं और उनके साथ में मैंने काम किया है, बहुत कुछ सीखा है। वो बिल्कुल मना कर दिया गया था, मैं कहीं नहीं गई, एक भी जगह नहीं गई जहां मैंने जाके कहीं प्रचार किया हो। तो हम पर ध्यान देना ये कि क्योंकि अपने से वो मुक्त होना चाहते हैं तो मैं इस सोच को समर्थन नहीं करती हूँ। दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी पीसी चाको ने भी हार की जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा दे दिया है। I was in charge of DPCC and Mr. Ajay Makan was the president. Both of us, in a way, failed in our responsibility to bring in results. पूर्वी दिल्ली नगर निगम की 63 सीटों में से कांग्रेस सिर्फ 3 सीटों पर बढ़त बना पाई है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम की 103 में से 13 सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की 104 में से 12 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। 2012 के एमसीडी चुनावों में कांग्रेस ने 77 सीटों पर जीत हासिल की थी। एक ओर सुकमा के शहीदों की शहादत को सलाम किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर शहीदों के अपमान का आरोप लगा है। आरोप है कि नक्सली हमले में शहीद जवानों का पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट से विशेष गाड़ी के जरिए लाया जा रहा था। इसी दौरान मौके से सीएम नीतीश का काफिला गुजरा और काफिले के लिए पार्थिव शरीर ले जा रही गाड़ी को रोक दिया गया। नीतीश पर यह भी आरोप है कि एयरपोर्ट के नजदीक में एक कार्यक्रम के लिए पहुंचने के बावजूद वो शहीदों को श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचे। बीजेपी ने नीतीश कुमार से माफी की मांग की है। और असली मानसिकता तो तब प्रदर्शित हुई जब इन शहीदों का काफिला जा रहा था, इसी बीच मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी का काफिला गुजरा, उस काफिले को रोक दिया गया और इनको निकाला गया। पूरे बिहार से नीतीश कुमार जी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए, वरना
माफ, इससे बड़ा दंड उनको मिलना चाहिए जो घटना उन्होंने किया है। ये इस बात का प्रमाण है कि नीतीश कुमार के मन में और उनके मंत्रिमंडल के मन में राष्ट्र के प्रति और उनके जवानों के प्रति क्या भाव है। वहीं शहीद जवानों को अंतिम विदाई देने का सिलसिला जारी है। हरियाणा के करनाल में शहीद राम मेहर को आज नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। सीआरपीएफ के अधिकारियों ने शहीद राम मेहर को श्रद्धांजलि दी। शहीद की अंतिम यात्रा में भारी जनसैलाब उमड़ा। बिहार के वैशाली में भी शहीद अभय का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव लोमा पहुंचते ही भारत माता की जय के नारे गूंज उठे। हजारों की संख्या में लोग शहीद के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। गृह मंत्रालय ने सुकमा नक्सली हमले पर सीआरपीएफ से पूरी रिपोर्ट तलब की है। सुकमा नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 25 जवान शहीद हो गए जबकि 5 घायल हुए थे। सीआरपीएफ के जवान गश्त पर निकले थे। जवान अपने कैंप दुर्गपाल से रोड ओपनिंग पार्टी के तौर पर निकले। दुर्गपाल से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर चिंता गुफा के पास जवान 2 हिस्सों में बट गए। जवानों की संख्या 99 थी। जवानों के दोनों दस्ते करीब 500 मीटर ही आगे बढ़े थे कि उन पर 300 हथियारबंद नक्सलियों ने हमला कर दिया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में शहीद होने वाले सीआरपीएफ के 25 जवानों में से 6 बिहार के थे। पश्चिम बंगाल के हुगली में बड़ा हादसा हो गया। नदी में डूबने की वजह से करीब 13 लोगों की मौत हो गई। हुगली में गंगा घाट पर बनी जेटी अचानक टूट गई, जिसकी वजह से 50 से ज्यादा लोग नदी में डूब गए। लोगों को बचाने के लिए नाव और गोताखोरों की टीम हुगली नदी में उतरी। अब तक 15 लोगों को बचा लिया गया है जबकि बाकी लोग लापता बताए जा रहे हैं। हुगली जिले के भद्रेश्वर इलाके में तेलीनी पारा घाट पर हादसा हुआ है। लोगों की भारी भीड़ जुटने और पानी का बहाव तेज होने की वजह से लकड़ी से बनी जेटी टूट गई। चश्मदीदों के मुताबिक हादसे के वक्त जेटी पर करीब 200 लोग मौजूद थे। पश्चिम बंगाल सरकार ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवार के लिए 2 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है। AIADMK में शशिकला नटराजन और उनके भतीजे दिनाकरन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दोनों का पार्टी से किनारा करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। चुनाव चिन्ह के लिए रिश्वत के मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शशिकला नटराजन के भतीजे और AIADMK नेता दिनाकरन को गिरफ्तार कर लिया है। दिनाकरन की गिरफ्तारी के बाद आज चेन्नई में AIADMK मुख्यालय में लगे शशिकला नटराजन के पोस्टर हटा दिए गए। पनीर सेल्वम गुट ने शशिकला के पोस्टर हटाए जाने के फैसले का स्वागत किया है और इसे दोनों गुटों में विलय की चर्चा के लिए अच्छा कदम बताया है। AIADMK मुख्यालय से शशिकला का पोस्टर हटाए जाने पर हमें खुशी है। हम इसका स्वागत करते हैं। अगर सब इसी तरह चला तो हम विलय के लिए बात करेंगे। हम सब एक ही परिवार के भाई हैं। दिनाकरन पर AIADMK का जब्त किए गए 2 पत्ती वाले चुनाव चिन्ह हासिल करने के लिए चुनाव आयोग को 50 करोड़ की रिश्वत देने की कोशिश का आरोप है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने दिनाकरन के करीबी दोस्त मल्लिकार्जुन को भी गिरफ्तार किया है। दिनाकरन से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पिछले 4 दिनों से पूछताछ में जुटी है। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कल 2 बजे हम बेल एप्लीकेशन मूव करेंगे और पुलिस जब रिमांड पे लेके जाएगी तब वहाँ पे हम आर्ग्यू करेंगे। कल पेश करेंगे 2 बजे पूनम चौधरी के कोर्ट में अराउंड 12 से 2 बजे के बीच में। 30,000। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के मुताबिक पूछताछ के दौरान दिनाकरन ने बिचौलिए सुकेश चंद्रशेखर से मुलाकात की बात कबूली है। दिल्ली पुलिस ने दिनाकरन के खिलाफ 17 अप्रैल को FIR दर्ज की थी। रिश्वत के लिए मध्यस्थता के आरोप में गिरफ्तार सुकेश चंद्रशेखर 28 अप्रैल तक पुलिस रिमांड में है। दिनाकरन के खिलाफ FIR के बाद से 2 गुटों में बटी AIADMK में सुलह की कोशिशें तेज हो गई है। दिनाकरन को आज दिल्ली की 30,000 कोर्ट में पेश किया गया। आज सेंसेक्स ने शुरुआती बढ़त के साथ 30,000 का जादुई स्तर पार कर लिया। पहले आधे घंटे में ही सेंसेक्स 140 अंकों की बढ़त के साथ 30,078 के स्तर पर पहुंच गया। निफ्टी भी 40 अंकों की बढ़त के साथ 9,346 के स्तर पर पहुंचा। सेंसेक्स ने अब तक 3 बार 30,000 के स्तर को पार किया है। मार्च 2015 के बाद सेंसेक्स 30,000 के आंकड़े के पार पहुंचा। 5 अप्रैल 2017 को भी सेंसेक्स ने 30,000 के स्तर को पार किया था। दिन भर आज बाजार में तेजी दर्ज की गई। सेंसेक्स बढ़त के साथ खुला और 190 पॉइंट के उछाल के साथ 30,133 अंकों पर बंद हुआ।